हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th का मैथ का पेपर 2021 का, जो 1 अप्रैल को हुआ है। और ये हमारे पास इनकी छोटे क्वेश्चन की आंसर की आ चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है इनफाइनाइट। उससे अगले का आंसर है 32 सेकंड का। थर्ड का आंसर है 7/12। फोर्थ का आंसर है सेट में ए बी सी। फिफ्थ का आंसर है 12। सिक्स्थ का आंसर है सेट में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेट में। सेवन्थ का आंसर है 20। एट्थ का आंसर है 5/13। नाइन्थ का है 7/25। टेंथ का है 1, सी ऑप्शन है इसका। इलेवेंथ का है ऑप्शन नंबर बी। ट्वेल्थ का है ऑप्शन नंबर ए। थर्टीनथ का है ऑप्शन नंबर, फोर्टीनथ का है ऑप्शन नंबर बी। और थर्टीनथ का आंसर है एक्स की वैल्यू 3/4, वाई की 33/4। फिफ्टीन का है 64। सिक्सटीनथ का है 2। सेवनटीनथ का आंसर है 9। एटीन का दोस्तों अभी इस पर संशय चल रहा है, इस पर आंसर अभी नहीं आया है। और वैसे इसका आंसर जो हमने निकाला है वो है 13। 19 का आंसर है 12। 20th का आंसर है 40। 21st का है 3+4i/5। 22nd का 9। 23 का b² = ac। 24th का है c, a > g। 25th का है b। 26th का है d। 27th का है 4, -6। 28th का है 40। 29 का है a। 30 का है 3, 0। 31 का है 2। 32 का है 2√2। 33 का है 1। 34 का है 1/2। 35 का दोस्तों ये आंसर है 15x^4 - 84x^13। 36th का आंसर है b। 37th का है 9। 38th का है d। 39 का आंसर है 3/5। 40th का आंसर है 9/11। उसके बाद ये खुद सोल्व करना था, ये इसके इक्वल प्रूव करना था। इसका आंसर है टेंजेंट 60 √3। और इसका आंसर है 13। इसका आंसर है टेंजेंट 45 1। ये इक्वल प्रूव करना था, ये भी इक्वल प्रूव करना था। इस पर अभी संशय चल रहा है इन दोनों पर। और इसका आंसर है 55%। इसमें GP बनानी थी और इसमें भी इक्वेशन बनानी थी, जो कि इसमें गिवन भी था कुछ और अपने आप आ जाता। थैंक यू।